फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान सा दो कलर का लटकन का डिज़ाइन लेके आए हैं। ये हम वूल से बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक नॉट लगानी है। यहाँ पे हम ये लटकन बनाने के लिए सिंगल प्लाई की वूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो फोर प्लाई की वूल से भी बना सकते हैं। एक नॉट लगाने के बाद अब यहाँ पर हम चार चेन बनाएंगे, दो तीन चार। चार चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे हम जो ये पहली चेन है इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से धागा लंबा करके वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव, सिक्स एंड सेवन टाइम। इस तरह से हम धागा निकल के एक पफ डिज़ाइन बनाएंगे। एक पफ डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ पे हम थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, थ्री चेन एंड अगेन इस होल में डाल के फिर से सेवन टाइम धागा लेते हुए एक पफ डिज़ाइन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे टू पफ डिज़ाइन बना चुके हैं और बीच में थ्री चेन का गैप ले रहे हैं। इस तरह से हमें इस राउंड में फाइव पफ डिज़ाइन बनाने हैं। तो चलिए हम पहले पूरे फाइव पफ डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से हम पांच पफ डिज़ाइन बना के तैयार कर लिए हैं और लास्ट में हमें फिर उसी तरीके से जैसे हम पहले कर रहे थे थ्री चेन बनानी है और इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है इस तरीके से, और इस तरह से इसे हमें उल्टा कर सीधा कर देना है। अब यहाँ पे हम फाइव चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव चेन बनाने के बाद जो यहाँ पर हमारा बीच में ये होल है, यहाँ से डालते हुए इसे हम इस होल से निकालेंगे एंड यहाँ पे क्रोशे पे एक बार धागा लेके ये दो पफ डिज़ाइन के बीच में जो स्पेस है यहाँ से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन ऐसे ही दोबारा धागा लेंगे नेक्स्ट पफ डिज़ाइन के बीच में, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर धागा लेंगे। इस तरीके से हमें सभी पफ डिज़ाइन के बीच से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फाइव चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव चेन लेने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से क्रोशिया पे दो बार धागा लेके और जो ये सेकंड चेन है इसमें डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे बना लिए हैं, अब इस तरीके से बना लिए हैं। अब इस होल में हम एक हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी हाफ डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, दो धागों को एक करते हुए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड देखिए, हमने ये सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हमने टोटल 14 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब इसे हम यहाँ पे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। इस तरह से हमारा ये शेप तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हम 10 चेन लेंगे, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन।
टेन चेन लेने के बाद अब इसे हम यहाँ पे वन टू थ्री थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, और सेम वही प्रोसीजर रिपीट करते हुए यहाँ पे अब हम एक पफ डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से एक पफ डिज़ाइन और थ्री चेन, इस तरह से हम टोटल यहाँ पे फाइव पफ डिज़ाइन और थ्री थ्री चेन करके बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पे फाइव पफ डिज़ाइन बना लिए हैं और थ्री थ्री चेन का करते हुए यहाँ पे लास्ट में हम इसे थ्री चेन बना के स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे, और इसको फिर से जैसे हमने ये फर्स्ट वाला किया था ऐसे ही इसे भी करके सीधी ऐसे उल्टा कर देंगे इसे राउंड में, और यहाँ पे फाइव चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन, और फिर इस होल में डालते हुए एक एक हाफ डबल क्रोशिया हर पफ डिज़ाइन के पास। जैसे हमने फर्स्ट फ्लावर को बनाने के लिए किया था वैसे ही सेम प्रोसीजर से हम बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से बनके तैयार होगा, और फिर से जैसे हम नीचे फोर चेन लिए थे उसी तरीके से वन टू थ्री एंड फोर चेन, और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेकंड चेन में, एक चेन छोड़ के इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें ये जितनी लंबी आपको बनानी है उस तरह से बना लीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ पे सेकंड कलर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम वाइट कलर की वुल यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे, इस तरीके से क्रोशे पे नॉट लगाने के बाद इसे यहाँ पे जो ये हमने चेन्स बनाई थी थ्री थ्री की यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे, और यहाँ पे ऐसे वन टू एंड थ्री सिंगल क्रोशिया थ्री बनाएंगे, और फिर थ्री चेन, वन टू थ्री चेन, और जो यहाँ पे हैं इसमें हम ऐसे इसे जॉइंट कर देंगे, और फिर से यहाँ पे थ्री सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, देन अगेन नेक्स्ट चेन में थ्री चेन थ्री सिंगल क्रोशिया थ्री चेन, और इसे यहाँ पे जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से, सॉरी स्लिप स्टिच से, फिर यहाँ पे थ्री सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से बनाते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है, तो चलिए हम ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। इस तरह से हम इसे बना लेंगे पूरा और स्लिप स्टिच से जॉइंट करके कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। इसी तरीके से हम ये थोड़ा सा और बना लेते हैं सेम प्रोसीजर से, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बन के इसका फाइनल लुक तैयार होगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।